मैं डॉक्टर रागनी शर्मा, आजकल मैं बतौर प्रिंसिपल माता दमोदरी खालसा कन्या महाविद्यालय ड्रोली भाई विखे सेवा निभा रही हैं, डिस्ट्रिक्ट मोगा विखे। एमए हिस्ट्री मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो कीती है, और पीएचडी जड़ी है मैं भाई जैता जी ते कीती है, बाबा जीवन सिंह जी ते कीती है। जिस तरह कि तुहानू सारयां नू पता ही है कि भाई जैता जी बारे जिन्ना कु पढ़ाया जांदा सीगा कि भाई जैता जी जड़े सीगे गुरु तेग बहादुर जी का असीस दिल्ली तो आनंदपुर साहब लैके आए सी, ते गुरु गोबिंद राय जी ने उन्होंने उदों रंगरेटे गुरु के बेटे कहा सी। इन्ना की मैं पढ़िया सी, इस तो ज़्यादा मैं नहीं जानती सी इस चीज़ बारे, पर जो मैं चीज़ पढ़ी उदों मैनू ये चीज़ लगी कि मुगल सरकार होवे, औरंगजेब का राज होवे, तो एक जड़ा सीस लैके आना कोई माड़ी मोटी गल नहीं हो सकती। ये मतलब किद्दां उन्होंने प्लैनिंग की होगी सीस लैके आन की, किद्दां सीस लैके आए होंगे, मतलब इस चीज़ बारे मैं बहुत सोचा। फिर मैं इस चीज़ बारे रिसर्च करनी शुरू कर दी, मैं पढ़ना शुरू कर दिता, और जिवें जिवें मैं पढ़ती गई तो मैनू उन्होंने शख्सियत बारे उन्होंने बारे बहुत कुछ पता लगता गया, और जड़ा कि बिल्कुल भी किसी भी मतलब बुक दे विच मैनू ज़्यादा डिटेल नहीं मिली सी इस चीज़ बारे, थोड़ा थोड़ा किते ना किते मिलता गया, और वो मैं जड़ी सी कड़ी दे नाल कड़ी जोड़ती गई। फिर उन्होंने पूर्वजा बारे कितों बिलोंग करते सी, किस तरह सी, वो सारा फिर मैं उन्होंने डिटेल ली, तो मेरे मन च आया कि नहीं, इन्ने वड्डा शख्स, इन्ने वड्डे नायक, इन्ना वड्डा हीरो कि सिर्फ उन्हों इन्नी की गल कह के छड़ दिता जाए कि वह एक गुरु जी का सीस लैके आए तो उन्होंने रंगरेटे तो गुरु के बेटे कहा गया। उन्होंने होर भी कई कुरबानियां जड़ियां सीगियां वो मैं सारियां दे सामने लैके आना चाहती सी, इस करके भी एज ए हीरो है हीरो तो उन्होंने मैं सारी जनता के सामने लैके आना चाहती सी, कि इस करके मेरा जोड़ा विशा से वह भाई जैता जी। भावें मैं शर्मा परिवार की धी है, मैं भावना की धी है, पर जड़े गुरु पैगंबर शहीद होंदे है ये किसी जात दे नाल नहीं संबंध रखते हैं, ये सारी मनुखता वास्ते होंदे है, ये सारे सच्चाई वास्ते होंदे है। और जड़े भाई जैता जी है इन्हां दी जड़ी कुरबानी है वो किसी जात या धर्म वास्ते नहीं सी, मनुखता वास्ते सी ते सच्चाई वास्ते सी। पीएचडी करना कोई बहुत सौखा काम तो नहीं सीगा, मैं कह सकती हैगी दिक्कतों का तो बहुत सामना करना पिया। मेरा सफ़र ये 5 सालों का रहा, और खैर 5 सालों तो पहलों ही मैं बहुत कुछ इकट्ठा करना शुरू कर दिता सी, पर पीएचडी जड़ा सीगा ये 5 साल मैनू लग गए। ये सब तो पहलों तो मैं सच्चे पातशाह का धन्यवाद करती हैं, बाबा जीवन सिंह जी का धन्यवाद करती हैं, जड़े कि मैनू अगे दी अगे राह जड़ा सी दिखाते रहे, क्योंकि सोर्सिस बहुत घट सी, किताबां बहुत घट सीगियां इन्हां दे उपर लिखिया हुई जड़ियां सीगियां। ते और मैं धन्यवाद करना चाहनी है साड़ी यूनिवर्सिटी दे डीन सतनाम सिंह जसल जी दा, अपने गाइड डॉक्टर दलजीत कौर जी दा, ते मैं कोट कोट धन्यवाद करती हूँ कि हर पल मैनू ये गाइड करते रहे, मैनू अगे लैके जाते रहे, और जिदे नाल मेरा काम है जिहड़ा हुण पेरे है चढ़ता गया, सिरे चढ़ता गया। हाँ जी, फ्यूचर दे विच मैं होर भी काम करना चाहवांगी, जिस तरह कि इतिहास दे जड़े अंगोले नायक हैगे है जिन्हां ते हजे कोई काम नहीं होया हैगा गा या ना मात्र दा काम होया हैगा, ते मैं वो काम करना चाहूँगी उन्हां दे उपर, और मैं करदी रहूँगी, सदा करदी रहूँगी। सच्चे पातशाह बल बख्शी रखन, बल देन मैनू ये काम करन दा, ते मैं जरूर करूँगी। हाँ जी, सोशल मीडिया ते पूरे विश्व दे विच मैनू बहुत ज़्यादा प्यार मिलिया हैगा, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलिया हैगा, और मैं सारयां दा तह दिलों धन्नवाद करदी हां कि इदां ही मैनू प्यार दिंदे रहियो, और मैं इदां ही काम है जड़ा वो अगे करदी रहांगी, और मैं कोट कोट धन्नवाद करदी हां सारयां दा कि जिन्हां ने मैनू इन्ना प्यार दित्ता है।